बात सुनो, घर का मर्द जब बाहर जा रहा हो ना, तो औरतें इस तरह पीछे से आवाज नहीं लगाती, बड़ी बच्चुगुनी होती है। एमी, कोई बच्चुगुनी नहीं होती। वैसे तो आप इतनी मजबी बनती हैं, आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह की जात की मंजूरी के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ये बच्चुगुनी वुगुनी ये सब बहम की बातें। ये सब बातें मैंने कोई इजाद नहीं की हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बड़ों ने हमें सिखाई हैं और हमने उन पर अमल किया है। तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें कोई अदब अदब सिखाया है या बस जबान चलानी सिखाई है? मैंने जुनेद से वादा किया है कि मैं निदा की शादी तक आपसे नहीं लड़ूंगी, इसके बदले में वो मुझे नया घर लेकर देगा, वादा किया है उसने। क्या नया घर? आज मैं अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती। कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया, तो गुस्से में जाके कहीं भारी महंगा जोड़ा ना खरीद लूं, ये मैं नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं सफीना बाजी, ये तो बहुत हावी होती जा रही है दिन ब दिन। और एतमाद ही तो देखो जरा इसकी। हाय, कहीं जुनेद वाकई में नया घर तो नहीं खरीदने वाला इस मीना के लिए जो ये इतना खुश है। वो जो स्टेट एजेंसी वाले अशरफ भाई है ना, उनका फोन आया था, बता रहे थे कि हमारी जो दुकानें बंद पड़ी हुई थी इतने अरसे से, उनके लिए किराएदार मिल गए। अल्लाह का शुक्र है, किराया तो कम दे रहे हैं, लेकिन दुकानें खाली रहने से तो बेहतर है ना। कम से कम महीने के महीने कुछ पैसे तो आ जाया करेंगे हाथ में। हाँ माँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं बात करूँगी उनसे कि बेशक किराया कम है, लेकिन एडवांस तो ज़्यादा दें। उधर निदा की शादी भी आ रही है, तैयारियाँ भी करनी होंगी, और उसको कुछ देंगे भी तो ना। तैयारी क्या करनी है? तुम्हारी शादी पे जो इतने ढेर सारे खूबसूरत जोड़े बनाए थे, उसी में से तुम कुछ पहन लेना और उसी में से मैं देना दिलाना भी कर लूंगी। घर में से ही कोई चीज़, अंगूठी वगैरह या कोई बुंदे दे दूंगी उससे शादी में। उन कपड़ों का तो सोचते ही डिप्रेशन हो जाता है मुझे। अम्मा, दिल करता है बैग समेत सारे कपड़े ही जला दो। ऐसे ना कहा करो सनारा, इतने अरमानों से बनाया था वो सब कुछ मेरी जान। एक से एक कीमती, एक से एक खूबसूरत जोड़ा है। अल्लाह ताला तुम्हें खुशियों के साथ पहनना नसीब करे मेरा बच्चा। तुम्हारी हक हलाल की मेहनत की कमाई से बनाए थे वो। बस कपड़े तो निदा के जहेज के बन रहे हैं। इतने अच्छे कपड़े बनाए सफीना आपी ने, मैं तो बड़ा पागल समझती थी उनको। अम्मी, तुम्हें लोगों को पहचानना ही कब आता है उस अनारा? ये जो सफीना जैसे लोग होते हैं ना, ये अपने सब काम सीधे कर लेते हैं। अब यही देख लो, सारी जिंदगी भाई को बेवकूफ बनाए रखा उसने, अपनी जिंदगी भी आराम से गुजार ली और बेटी की सारी जिम्मेदारी भी जुनैद के ऊपर डाल दी। जुनैद की तो बात ही कुछ और है। आला जर्फ सखी इंसान है, उसके इर्द गिर्द जो भी रहता है फैज उठाता है। मिना को ही देख ले, एक आम से घर की लड़की है, शहजादियों की तरह रहती है उसके साथ। मिना। हाँ मिना, बोलो। फोन क्यों कर रही हो, घर आ जाती। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ओके ओके। क्या कह रही थी? मुझे जलाने का कुछ और सामान हो गया, शॉपिंग पर लेकर जाना चाहती है अपने साथ। आ रही है थोड़ी देर में, मैं तैयार होती हूँ।